लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस आदमी को पहचानते हो? Yes. ये बताओ है कितने की? 5 पेटी। लेकिन अजय भैया ने तो कहा था 4 लाख। और अजय नहीं, वो एंथनी ने कहा था कि 4 लाख लगेंगे और अब तुम 5 लाख बोल रहे हो। अजय साहब का नाम सुनते ही अपुन को डाउट हुआ, तो अपुन ने इसकी आवाज माइक्रोफोन पे सुनी। भैया वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। इस बात से अपुन को 2 बात समझ में आई साहब। एक तो वो अजय साहब से बात कर रहा था, दूसरे अजय साहब अपुन को एंथोनी की आवाज में फोन किया, और ये बात कंफर्म करने के लिए जब अपुन ने एंथोनी को फोन किया तो मालूम ये पड़ा कि एंथोनी ने तो अपुन को फोन किया ही नहीं था। इस बात से अपुन को पक्का यकीन हो गया साहब कि ये फोन एंथोनी की आवाज में अजय साहब का था। मिस्टर डिकॉस्टा, आप 4 साल पहले जेल गए थे, 2 साल के लिए, करेक्ट? यस मैम। आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर डिकॉस्टा, आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर अजय ने। जेल जाने से पहले आपने अजय साहब को धमकी दी थी? नहीं, वो झूठ मत बोलिए मिस्टर डिकॉस्टा, क्योंकि कोर्ट में वो दोनों लोग मौजूद हैं जिनके सामने आपने धमकी दी थी। गुस्से में निकल गया होगा मैम। आपने क्या कहा था? यही के अपुन तेरे को देख लेगा। और आज मौका मिलते ही आपने देख लिया। जैसे ही इन पे मर्डर का इल्जाम लगा, आप अदालत पहुंच गए सरकारी गवाह बनके ताकि अपना बदला ले सके। क्या बात कर रही है मैडम? मैं ठीक बात कर रही हूं मिस्टर डिकॉस्टा। योर ऑनर, कितनी अजीब बात है कि हम एक मामूली से क्रिमिनल की बात सुनने को तैयार हैं और एक पुलिस ऑफिसर के सारे मेडल्स भूल रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट चाहता हूं। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्यों, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जानती हूँ मेरे क्लाइंट सच बोल रहे हैं, इसलिए मुझे और मेरे क्लाइंट को कोई एतराज नहीं है। लेट्स हैव द लाइट डिटेक्शन टेस्ट। परमिशन फॉर लाइट डिटेक्टर टेस्ट ग्रांटेड। आई एम रेडी, प्लीज प्रोसीड। क्या आप चल सकते हैं? नो। क्या आपको अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में पहले से पता था? नो। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। रिपीट द क्वेश्चन। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। मिस्टर निगम, आपने सही कहा था, 2 ही मिनट तो लगा सच और झूठ जानने में। तुझे पता है ना सावंत, क्या खेल खेला जा रहा है? सर मुझे ये जब कानून जानने वाला आदमी कानून को तोड़ने की कोशिश करता है। सर ये उसको नेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पी पी स्कॉच है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि तुझे क्या नहीं लगता? तू जानता है मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ?
आप सर, लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है ना, इसको चीट किया जा सकता है। लेकिन सर मशीन के सामने आदमी तो, अरे मशीन मशीन है, आदमी आदमी है, मशीन को आदमी ने बनाया, उसे बहुत से क्रिमिनल्स को देखा है, उसे स्टडी की है मशीन की, उसने एक महीना एक हफ्ता प्रैक्टिस किया झूठ बोलने का, वो झूठ बोल रहा है। Did you kill your wife? No. वो सब ठीक है सर, लेकिन अजय सर चल नहीं सकते। अजय चल नहीं सकता? तू जानता कि मैं जानता हूं, मैंने वर्षों काम किया उसके साथ, मैं जानता हूं उसको, वो चल सकता है, वो झूठ बोल रहा है। वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है? Sit down. प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अजय श्रीधर पर लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद हैं। ये कोर्ट अजय श्रीधर को बाइज्जत बरी करती है। Congratulations. कोर्ट is adjourned. अगर हम ये प्रूव कर पाते कि चल सकता है तो रिजल्ट कुछ और ही होता। Anyway, ठीक है मुझे पता है तुम चल सकते हो, एंड आई विल प्रूव इट। ये चल सकता है? He can, I know he can walk. ये झूठ है। I know he can walk. मुझे पता है you can walk. He can walk. He can walk. ये झूठ है। मुझे पता है अजय। मुझे पता है you can walk. तू चल सकता है। अजय, I miss you. तो मेरे बिना तेरी चलती नहीं है, मेरे बिना यू आर यूजलेस, मेरे बिना तो बिल्कुल बेकार है। तुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तुझे खड़ा होना है, दिस इज माय ऑर्डर। मैं गलत कैसे हो गया? शायद मैं पुलिस में रहने के काबिल नहीं। देखिए सर, इसको हेलो सर, आप इन्हें को छोड़ दीजिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम सर। लेकिन अजय, उसने भरी अदालत में सबके सामने सर, उसने वही किया जो उसे राइट लगा, और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, थैंक यू सर। विनय, अजय सर ने कमिश्नर साहब को फोन किया था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, और साथ में ये भी कहा है कि
विनय जैसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है इस पुलिस फोर्स को। राधिका उन्हें एयरपोर्ट लेकर जा रही है, अगले एक घंटे में उनकी फ्लाइट है, वो अमेरिका जा रहे हैं। चले, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। अजय, बहुत बड़ी भूल हो गई यार। तू तो शायद मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा मुझे नहीं पता। फकीर मी माय ब्रदर। विनय, जो मैं कहना चाहता हूं वो सब इसमें लिखा है। विनय, तुम सही थे। मैं अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में जान चुका था। मैंने प्लान करके उन दोनों का मर्डर किया। तुम सोचते होगे कि अब ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। सच कहूं तो मुझे उन दोनों के मरने का अफसोस नहीं है। अगर कोर्ट में तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सका, गलत मैं था, तुम सही होते हुए भी कोर्ट में गलत साबित कर दिए गए। I'm sorry, विनय। मर्डर करने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देता अगर यश मेरी जिंदगी में ना होता। अपने बच्चे के लिए इस पाप का जीतना जरूरी था। मैं अंशिता को बेवफाई के लिए माफ भी कर देता, मगर जब मैंने खुद को मारने की बात की, दोनों आसानी से तैयार हो गए। तब भी मुझे लगा अंशिता मुझे मार नहीं सकती। लेकिन जब गोली चलाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, तब मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अब मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है, अपने दोस्त को सच बताकर। पहली बार अपने उसूलों से हटकर मैंने फैसला किया, जाने दिया उसको। कभी कभी जिंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात, इन सब से परे होती है। इस बात का एहसास मुझे पहली बार हुआ। मुझे जो राइट लगा मैंने किया।